बच्चों के लिए सुख शांति की दुनिया बनाऊंगा। तो वो तो अपने वायदे के पूरे करने का पार्ट एक्ट कर रहा है कि आया है, और बच्चों के लिए सुख शांति की दुनिया बनाने का काम चालू किया है, किया नहीं काम चालू, और दुख शांति की दुनिया को नाश करने का भी काम चालू किया है। दिखाई पड़ते हैं अच्छी तरह से, चारों ओर नजर फिरा के देखो अच्छी तरह से, हाँ, कि दुनिया की हालात भी कंडीशन भी अभी साफ है कि ये दुनिया अब यहाँ दुख शांति की ओर जा रही है, और इसको ही कहा जाएगा धर्म गिलानी का समा। दुनिया नहीं ऐसी समझती, वो अभी समझती है कलयुग तो अभी बच्चा है, हा? अभी तो इनको बहुत हजारे लाखे बरस पड़े हैं, जवान होगा बुढ़ा होगा अभी तो, और इसको आयु है, परंतु नहीं, ये उनकी लास्ट स्टेज है, बाकी कुछ थोड़े समय की है, हा? ये अभी अपन जानते हैं। तो इसीलिए तो बाप कहते हैं कि मनुष्यों ने एक दो के बुद्धि को मेरे से और मेरे कर्तव्य से, कि मैं किस टाइम आकर के ये काम करता हूँ, उससे बुद्धि को दूर हटा दिया, और मैं आकर के फिरा अपनी सभी बातों का, अपना अपने कर्तव्य का और अपना टाइम सब बतलाता हूँ कि बच्चे बहुत काल नहीं है अभी, हाँ समय बहुत नहीं है, अभी बच्चा नहीं है कलयुग, अभी बुढ़ा है, हा? इसकी आयु अभी पूरे होने पर है, इसको कहा जाएगा अभी यह जर्जरी भूत अवस्था को, ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है वो अभी जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त हुआ है। अभी जर्जरी भूत अवस्था वाले की तो फिर मृत्यु की स्टेज है ना, इसीलिए अभी वो टाइम आया हुआ है, तब तो ये मृत्यु के लिए तैयारियां, ऐसे थोड़ी है कि ये चीजें इतनी बहुत हजारे लाखों बरस चलती रहेंगी। आज जो चीजें भी बनी है ना, अगर कोई चीजों से भी अंदाज लगाए ना, तो ये चीजें कोई अब से लाखों बरस तक रखी रहे और ये लाखों बरस तक का रहने की चीजें हो, ये है ही नहीं, ये चीजें अपना काम करके ही रहेंगी। इसीलिए आज जो इतने बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये मिसाइल, ये सभी चीजें जो बनी है, ये चीजें ही ऐसे किस्म की है कि अगर आज से समझे लाखे बरस तक का, करोड़ों बरस तक और भी आ गया, ये रखी रहे चली और इसकी इन्वेंशन ऐसी बढ़ती आ, जिसमें तो बढ़ के क्या, हाँ बढ़ती, खाली इन्वेंशन बढ़ती रहेगी ना, इसको काम ही करना है, नहीं चीज तो आ गई है बाहर, कि कैसे दुनिया का नाश हो, अभी इसके उपाय के खोजना की कोई दरकार नहीं, वो चीज तो आ गई है, बाकी काम में लानी है, हा? थोड़ी एक्सपेरिमेंट जो भी है उनकी, हाँ वो भी कर रहे हैं, थोड़ा रिफाइन, देखो हिरोशिमा में ट्रायल की ना, ये ट्रायल करते हैं, तो की तो देखा कि इसमें यहाँ बहुत बेचारे मनुष्य बीमार पड़ गए, हाँ रोगी हो गए, फिर उसको हॉस्पिटल में अभी तक भी आ कोई कोई यहाँ बीमार पड़े है, तो समझते है, नहीं तो ऐसे हो जाए तो जल्दी से यहाँ फिर बीमारों को कौन संभालेगा, हाँ उसके लिए भी फिर हॉस्पिटल से डॉक्टर चाहिए ना, ये तो ऐसा चाहिए एकदम खत्म, जो पीछे ऐसे भी न रहे जो जिनके लिए बेचारे कुछ उनके लिए इलाज का रखना पड़े, तो वो रिफाइन कर रहे हैं, और अभी रिफाइन होता ही जा रहा है, और समझते हैं कि आज ऐसी, तो ये चीजें कोई इतनी लाखों और करोड़ों बरस थोड़ी लह करके चलेंगी, और संख्या से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये संख्या भी जो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे नहीं है कि ये संख्या भी बढ़ते 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 आकर एंड भी तो आनी चाहिए ना, और देखो संख्या की खुद भी स्पीड बेचारे संभाल नहीं सक रहे हैं, समझते ऐसे बढ़ते जाएगी, हाँ तो वो बेचारे नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से इनको संभाला जा सकेगा, तो ये सभी बातें दिखा दे रही है, ये मामले अभी अभी क्रिएट होते जा रहे हैं नहीं जोर से, तो ये सब इतना कैसे होगा, तो अभी ये सभी हालात ऐसे मत समझो, इधर भी कोई ऐसे न हो कि समझे कि नहीं, अभी तो काफी टाइम पड़ा है,
जैसे दूसरे अंधकार में पड़े हैं, तो ऐसा नहीं। अब टाइम बहुत निकट आता जा रहा है, इसलिए समय को पूरी तरह से समझते और दुनिया की हालात और ये कंडीशन सा अभी आसार भी हाँ चिन्ह जिसको कहेंगे अभी दिखाई दे रहे हैं, ये दुनिया के अंत का समय। और ऐसे भी नहीं है कि ये कोई चला हुआ भी मनुष्य सृष्टि का चक्कर कोई बहुत अरबों वर्षों का है। अगर अरबों वर्षों का होता ना तो आज पता नहीं कितनी संख्या होती है। ये तो कहते हैं अभी ये क्राइस्ट आया ना, क्राइस्ट को देखो 1965 हुआ अभी, तो कहते हैं क्राइस्ट के बिफोर यानी आगे तो उसकी लाखों के अंदाज में वर्ल्ड की सेंसर थी। हम सेंसर भी लेते हैं नहीं है, कितने वर्षों से इतनी दुनिया की सेंसर रही है, तो बतलाते हैं क्राइस्ट के पहले की जो सेंसर है वो बहुत थोड़ी थी, कुछ लाखों में गिनते हैं। तो क्राइस्ट के पहले की यहाँ इतनी थी, अभी 2000 बरस में अभी जाकर के करोड़ों में लगी है। अगर ये अरबों वर्षों का होता तो हिसाब लगाने की बात है कि कितनी होनी चाहिए है? फिर तो इतना जितना टाइम है इतने टाइम के अंदाज के अनुसार तो बहुत संख्या है, पता नहीं क्या हो जाता। अभी खाने के लिए बेचारे है तंग हो गए है, फिर तो न मालूम क्या हो जाता। तो ऐसे नहीं है ये कोई चला आया कोई अरबों वर्षों का, ये है 5000 बरस का, जो बैठक के बाप समझाते हैं कि 2000 बरस में भी है ये क्राइस्ट के यहाँ पहले की बाबी। 2000 बरस में जब इतनी संख्या फिरौनों के अंदाज में आ चुकी है तो सोचने की बात है अगर ये लाखों और अरबों वर्षों का कल्प होता तो क्या हा? अभी बैठने की जगह तंग पड़ गई है, खाने के लिए तंग पड़ गए हैं, अभी हर बातों में तंग पड़ गए है, न मालूम अभी कितनी संख्या और आगे हो। तो ऐसे नहीं है, ये 5000 बरस का ही चक्कर है। और हिस्ट्री भी है हमको कोई इतनी अरबों वर्षों की या इसकी करोड़ों वर्षों की कोई हिस्ट्री भी नहीं मिलेंगी, और है ही नहीं हिस्ट्री जो भाई कौन हिस्ट्री, बस आगे में अच्छे मनुष्यों की हिस्ट्री ये देवताओं की मिलती। और देवताओं के टाइम को अगर गिनती है तो भी 5000 बरस की बात, बाकी इसके आगे कोई यहाँ दूसरी दुनियाएं थी या कुछ थी, जैसे कहीं कहीं कुछ न कुछ अपना समझते ऐसी बात ही नहीं है। बस अगर आगे की आगे हिस्ट्री भी लेंगे तो ये देवताओं की, और देवताओं के लाइफ से ही पता लगता है कि पहले लाइफ संसार की ऊंची थी। ये जो कहीं समझते हैं पहले लाइफ नीची थी हा? और फिर ये अभी यहाँ अभी सिविलाइज्ड दुनिया होती गई है, अभी बहुत ऊंची चढ़ी है। तो ऐसे नहीं है, वो आगे दुनिया ऊंची थी जिसमें संसार सुखी थे, कभी रोग नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं, ये सभी बातें थी नहीं, तो उसको ही तो ऊंचा कहेंगे ना, जिसमें मनुष्य एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी थे। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं, इसीलिए कहते हैं बच्चे अभी यहाँ फिर से वो टाइम आ रहा है। इसीलिए ऐसे नहीं समझो ये दुनिया कोई बहुत काल हाँ आगे 5000 बरस का है, अभी उसका टाइम भी आकर के पूरा हुआ है। तो दुनिया नहीं जानती है न इसके शुरू का टाइम न इसके अंत का टाइम, वो शुरू समझती है तो भी पता नहीं कितने अरबों लाखों करोड़ों वर्षों में ले गई हैं। ये शुरू समझती हैं तो भी समझती हैं कि पता नहीं कोई जानवर पहले थे या बंदरों से फिर मनुष्य हुए हैं, या कोई समझती है कैसे कोई कैसे जैसे जैसे जिसको आया। तो न इस सृष्टि के आद को जानते हैं, न अंत को जानते हैं, न मध्य को जानते हैं। आदंती नहीं जाना तो उसकी बायोग्राफी सारी कैसे ये वृद्धि को पाती ये मनुष्य नहीं जान सकते, इसकी आद और इसका अंत मैं आकर के बतलाता हूँ। इसीलिए बाबर के समझा रहे बच्चे सारी सृष्टि की रचता तो मैं हूँ ना, तो मैं ही जान सकता हूँ कि इनकी शुरुआत और इसका अंत कैसे होता है, और मध्य में ये वृद्धि सारी सभी धर्मों का आना शुरू कभी से होता है, ये सभी चीजों को मैं जानता हूँ। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे जो जानता है वही तो समझाएंगे ना, अगर मेरे पास कोई और अधिक मनुष्यों से समझ न होती तो फिर मुझे क्यों कहते हो नॉलेजफुल, फिर तो कहो सब नॉलेजफुल है ना, मुझे क्यों आगे रखते हो, मुझे मेरी महिमा क्यों सबसे श्रेष्ठ करते हो, तू ज्ञान का सागर है, तू ही पतित को पावन करने वाला है, तू ही ऐसा है, तू ही ऐसा, मेरी महिमा करते हो क्यों करते हो, जरूर मेरे पास अधिक है,
तुम मनुष्यों से मैं अधिक जानता हूँ, जो बात तुम नहीं जानते हो वो मैं जानता हूँ। तभी तो कहते हैं हम नहीं जानते तुम जानते हो। और बाप ने भी कहा अर्जुन को भी कहा तू तुम्हारे सभी जन्मों को मैं जानता हूँ। अर्जुन को भी गीता में कहा तू नहीं अपने जन्मों को जानते हो, जन्म मरण में आने वाले तू हो लेकिन तू नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूँ क्योंकि मैं जन्म मरण में नहीं आने वाला हूँ। तो जो नहीं आने वाला है वही तो जानेगा नहीं, बाकी तू तो आने वाला ही है जन्म मरण में, तो जो जन्म मरेगा वो कैसे जानेगा नहीं, उसको तो चक्कर में नीचे ही चलना है, उससे तो भूल जाता है नहीं। इसीलिए बाप कहते बच्चे तुम तो भूल ही जाते हो और तुमको भूलना ही है क्योंकि तुमको चक्कर में चलना है, मैं चक्कर में ही नहीं आता हूँ तो मैं भूलता भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास नॉलेज सबकी रहती है कि सभी कैसे कैसे नंबर वार, कौन सा धर्म पहले पीछे नंबर वार, ये सभी कैसे आते हैं, इन सब बातों को मैं जानता हूँ। इसलिए बाप कहते बच्चे जो जानेगा वही बतलाएगा ना, तो जरूर मेरे पास जानकारी है इस चीजों की, तभी मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, इसी चीजों से मैं आकर करके सुख शांति बतलाता हूँ और देता हूँ, इसीलिए मेरा गायन करते हो। तो ये सभी चीजें को समझना है ना, इसलिए बाप कहते हैं गफलत में नहीं रहना, दुनिया तो गफलत में है और हम भी पहले गफलत में थे, ऐसे नहीं है कि हम कोई ऊपर से आए हैं, हम भी यहाँ के ऐसे ही थे जैसे अभी दुनिया समझती है, हम भी ऐसे ही समझते थे पहले, लेकिन अभी जब बाप ने रोशनी दी है तो अभी उसी रोशनी के आधार से जानते हैं यथार्थ बातों को। तो अभी यहाँ जब बाप यथार्थ बातें सुना रहे हैं तो उसके ऊपर अटेंशन देना है, सुनते और समझते भी और फिर गफलत में रहना ये तो पूरा महामूर्ख वाली बात बतलाई नहीं, मूर्ख भी नहीं है महामूर्ख, तो ऐसा नहीं बनना है कि समझते जानते और फिर हम मूर्ख तो थे ही परंतु अभी समझते अगर हाँ मूर्ख रहा तो उसको कहेंगे महामूर्ख, तो ऐसा तो नहीं बनने का है ना। इसीलिए ऐसे महामूर्ख अथवा न जान कर करके जानते और फिर उसमें न अपना कुछ करना, इसीलिए बाप कहते बचे नहीं सब बातों को अच्छी तरह से समझते अपना पुरुषार्थ रखे रहो। तो टाइम अभी थोड़ा है इसीलिए थोड़े में भी थोड़ा होता जा रहा है हा? जितने जितने दिन कटते हैं उतना उतना जैसे मनुष्य होता है नहीं, भक्ति मार्ग में भी मिसाल देते हैं कि मनुष्य समस्या में बड़ा होता जाता हूँ, पर तो ये नहीं जानते हैं कि आयु कम होती जाती है, ये भक्ति मार्ग में भी मिसाल होते हैं कि तू समझते है मैं बच्चे से बड़ा हुआ बड़े से भी बूढ़ा हूँगा, वो समझते मैं बड़ा होता जाता हूँ, पर तू ये नहीं समझते है कि आयु कम होती जाती है तो छोटा होता जाता है, यानी आयु कम होती जाती है। तो भक्ति मार्ग में भी मिसाल देते है कि देखो मनुष्य कितने मूर्ख है, वो समझते मैं बड़ा होता जाता हूँ, पर तू ये नहीं समझते आयु छोटी होती जाए, जितना बड़ा होता जाएगा आयु छोटी होती जाएगी ना। तो इसी तरह से यहाँ ये भी बाप घर करके समझाते हैं बच्चे जितने दिन बीतते जा रहे हैं टाइम थोड़ा रहता जाता है, तो ऐसे नहीं समझो जब बहुत टाइम पड़ा है, टाइम दिन तो कटते जा रहे है न, तो समय बीता जा रहा है, इसीलिए ऐसे समय का पूरा पूरा खबरदार रहना है और सावधान रहना है, और उस विनाश के पहले कहीं अपना ही न विनाश हो जाए तो भी यहाँ टोटा पड़ेगा नहीं यहाँ, तो ख्याल रखना है कि जितना जितना हम अपना जीवन में बना रखें इतना प्रिपेयर रहना है कि भले अभी श्वास निकल जाए ना तो अपने को देखना है कि मैं रेडी हूँ, ऐसा है कि मैंने कुछ कमाई कर ली है, मैं जाऊँ अभी अभी मेरा श्वास निकल जाए तो मेरे पास क्या है, मैंने कमाई का स्टॉक क्या जमा किया है, तो अपना स्टॉक संभालो, अभी श्वास निकल जाए तो मेरे पास क्या है, मैं क्या ले जाऊंगा, क्योंकि अभी ऐसे तो नहीं है ना मरूंगा फिर जन्म लूंगा फिर बड़ा होकर के फिर इधर आके ज्ञान लूंगा, इतना टाइम नहीं है हा? इसलिए बाप कहते हैं अभी लेना है तो इस जीवन में लेना है, ऐसे भी नहीं है कि अभी मरेगा कहाँ जन्मेगा फिर भी यहाँ जरूर थोड़ा बड़ा हो 16-15 बरस का जब भी थोड़ा ज्ञान अच्छी तरह से सुन सके समझ सके, देखो नहीं मैं तो छोटा बच्चा होगा वो क्या, तो अभी इतने थोड़ी बरस है क्या करके, और ले फिर भी उसमें ले करके धारण करे इतना कर्मातीत अवस्था बनाए तो मेहनत चाहिए ना। हाँ देखो हमको भी 28 बरस लेते हो गया ज्ञान में, तभी भी कहते हैं अभी भी पुरुषार्थ करते हैं पुरुषार्थ ही है, तो देखो मेहनत है ना, कुछ तो मेहनत है जिसको हमको 28 बरस लगते भी अब यहाँ पुरुषार्थ कहते हैं करते रहे हैं, तो फिर लग कर करते भी टाइम चाहिए ना, ऐसे थोड़ी बस आया एक दिन में
चल पड़ेगा, नहीं उसमें भी फिर टाइम चाहिए। अपनी कर्मातीत पाप का बोझ है, बहुत जन्मों का उनको साफ करना, तो अभी इतना तो टाइम नहीं रहा नहीं हा? कि जो मरे फिर बड़ा हो गए फिर आवे फिर इतना टाइम दे करके ज्ञान लेवे फिर आ कुछ अपनी कर्मातीत अवस्था बना, इतना टाइम कहाँ है हा? इतना समय नहीं है, इसीलिए बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, ये लास्ट जन्म है तुम्हारे ज्ञान लेने का, तो इसमें तुमको प्रिपेयर रहना है कि कहीं आ श्वास उस विनाश के पहले मेरा ही विनाश हो जाए, तो मेरे जीवन में इतना स्टॉक है कि मैं जाऊं तो हाँ अपना जो कुछ बाप से पूर्ण लेने का अधिकार है वो पाऊंगा, तो पाने का तो अभी समय हो गया ना, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे ये लेने का ये अंतिम जन्म है, इसीलिए पुरुषार्थ अपना अच्छा करो और अच्छी तरह से पुरुषार्थ में ध्यान देकर करके बाप से जो अपना अधिकार पाने का है वो पाओ, तो उसमें अच्छी तरह से हाँ गफलत में नहीं आओ, गफलत में दुनिया पड़ी है परंतु हाँ अभी बाप ने तो हमको सुजा किया है नहीं, जगाया है, आंख खोली है, तो हमको थोड़ी फिर नींद में सोए रहना है, हम जागे हैं तो जाग कर कर करके बाप से पूरा पूरा अधिकार लेना है, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे जो जागे हो जिसको मैं जगाया है जिनकी आंख खुली है अभी या तीसरा नेत्र जिन्होंने धारण किया है जिनके पास ये सब रोशनी है उनको बहुत खबरदार रहना है और ऐसों को तो खबरदार रहना ही चाहिए, तो ये सभी बातों को अच्छी तरह से समझते और अपना पुरुषार्थ अच्छा रखो तो अच्छे पुरुषार्थ का फल भी जरूर है, अच्छा ही पाएंगे करेगा अच्छा पाएगा नहीं ऐसा कभी होगा नहीं, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा, बुरा करता है तो बुरा ही पाएगा, तो अभी बुराई और अच्छाई का ज्ञान तो बुद्धि में अच्छा है ना, बुराई किसको कहते हैं अच्छाई किसको कहते हैं, इनकी सारी अभी रोशनी है, इसीलिए आप बुराइयों को निकालो और अच्छाई उस जगह पर रखो, प्यूरिफाइड करो हा? देखो चले थे नहीं कल ना, तो देखा भाई वाटर प्यूरिफाइड कैसे किया जाता है, पानी को साफ करना है, तो वो वाटर को साफ करना ये सोल प्यूरिफाइड करना है, पहला तो सोल चाहिए ना, तो देखो इन प्यूरिफाइड चीज से भाई जीव रह जाएंगे हा? इससे मनुष्य बीमार पड़ेंगे, तभी तो पानी को साफ कर कर करके हमको पीने के लिए अभी काम में लगाने के लिए मिलता है, तो देखो साफ करते हैं नहीं, अगर गंदा ही पानी आ जाए तो फिर हम बीमार पड़ जाए, इसीलिए उनको साफ करने का देखो कितनी मशीनें कितनी वो सब स्टेजेस इससे पानी इसमें फिर इसमें पानी इसमें पानी आपको साफ करते हैं, तो ये भी सब हमारी भी स्टेज है ना, तो बाप कहते ये सोल को भी प्यूरिफाइड करना है, गंदा नहीं चलेगा उससे काम नहीं बनेगा, उसको प्यूरिफाइड करो, अभी उसी की मशीनरी कौन सी है ये ज्ञान और योग बड़ा इजी है, इसके लिए देखो कुछ खर्चा है, उस पानी के लिए भी देखो कितना खर्चा उनको लगाना पड़ता है, इसके लिए कोई खर्चा है बिगड़ खर्चे चीज मिलती है जिससे हमारी सब प्यूरिफाइड होगा तब तो भी प्यूरिफाइड हो जाएगा पृथ्वी जल अग्नि पृथ्वी सब तत् आदमी ऑर्डर में आ जाएगा सब कुछ, ऐसी चीज बाप हमको दे रहा है बिना खर्चे हा? तो देखो बिना खर्चे और बिना कोई बहुत भारी मेहनत नहीं है लेकिन ऐसी इजी चीज और बाप दे रहा है और जिस जड़ से हमारे सोल प्यूरिफाइड होने से हमारे सब कुछ प्यूरिफाइड हो जाएगा, तो ऐसी चीज लेने में क्यों इतने ढीले पड़े हो, क्या सस्ती मिली है बहुत हा? तभी हा? कहते नहीं कोई बड़ी 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 चीज जो होती है कहते हैं भाई बहुत ऊंची ऊंची है वो तो यहाँ बहुत ऐसा दे तो वैल्यू नहीं रहती है, तो यहाँ भी शायद बहुत इजी मिला है ना तो तभी शायद वैल्यू नहीं देते हो, इसीलिए ढीले ढाले और सुस्त लेजी और ऐसे चलते हैं कि जैसे कि भगवान को गरज है इनको गरज ही नहीं है हा? ऐसे चलते हैं, ऐसे नहीं चलना है, नहीं हमारी गरज है ना, तो अपनी गरज को पूर्ण नीति से चलाना चाहिए कि हमारे लिए है, इसीलिए बहुत इजी मिली है नहीं, परंतु नहीं ये भले बाप है नहीं तो बाप बच्चों से क्या मेहनत कराएगा, दूसरों ने तो बहुत मेहनत के रास्ते बतलाए लेकिन होना फिर भी उसे कुछ नहीं था, वो तो फालतू, यानी फालतू का मतलब ये नहीं जो चीज लेने की उसमें फालतू, बाकी यहाँ जो थोड़ा बहुत भी फिर भी ईश्वर के प्रति करते थे ना तो भगवान कहते मेरे प्रति उल्टे भी करते हो नहीं कुछ मेहनत तो भी उसका फल दे देता अलग काल के लिए, उसका व्यर्थ नहीं जाता है, भले उल्टे भी करते थे हनुमान को भगवान समझा तो भी ठीक भी भगवान समझा ना हा? चलो फिर उसका भी दे देता हूँ कुछ न कुछ मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ, परंतु जो यथारथ गति सदगति प्राप्ति है वो नहीं देता, वो तो मेरे द्वारा मिलेगी ना, उसके लिए तो जो यथारथ
पुरुषार्थ होगा, उसके लिए तो चाहिए पूरा पापों का दगत। तो पूरा पापों का नाश करने का पहले जब मेरे से बल लेंगे तभी तो तुम गति सदगति को पाएंगे ना। उससे उसके लिए तो चाहिए पूरी प्यूरिफिकेशन, तो पूरा प्यूरिफाइड चाहिए ना। तो पूरा प्यूरिफाइड तो सवाय मेरे ज्ञान और योग के बन नहीं सकता, इसीलिए मुझे बनाने के लिए आना पड़ता है। तो इसीलिए बाप कहते हैं पूरी पूरी बातों को समझ करके अभी उसका पुरुषार्थ रखो और उससे अपने को सोल को प्यूरिफाइड करो। तो प्यूरिफाई करो, सोल को पॉलिश करो। हाँ, सो कोई कुछ हाँ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन है कैसे करें वो तरकीब सवाय के और कोई नहीं बताएंगे। भले कहते बहुत है कि सोल को प्यूरिफाइड, यहाँ कहीं तो कहते हैं सोल तो है ही न्यारी, हाँ लेप चेप नहीं लगता है उसके ऊपर, और लगता है इधर सारा लेप चेप उसके ऊपर है। ऐसे थोड़ी है कि सोल के ऊपर न लगता हो तो सोल क्यों भोगती है। भोगती तो आत्मा है ना, आत्मा ही तो एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है ना, तो कौन भोगती है? रेस्पॉन्सिबल जो है वो ही तो जाता है ना। अगर आत्मा रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर शरीर जाए ना, पर आत्मा क्यों जाती है? हाँ, तो शरीर को जाना चाहिए। तो ये सभी चीजें बैर करके बाप समझाते हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चे इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ कर करके और बाप से अपना पूरा पूरा जन्म सिद्ध अधिकार लेने का ले लियो। और अभी टाइम है, अभी न लिया तो पूरा अभी खोया मानो सदा के लिया खोया खोया। हाँ, ड्रामा में उसकी नींद ही नहीं रहेगी ना, तो ऐसा मत करो। अब का खोया माना सदा के लिए खोया, और अब का पाया मानो सदा के लिए पाया। तलब तलब पाते रहेंगे, तो ऐसे पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ रख करके बाप से अपना जन्म सिद्ध पाने का पूरा रखना। अच्छा, आज तो हाँ गुरुवार भी है और हमारे के जाने का आज का ही दिन है, कल तो चला जाने का विदाई का दिन होगा। हाँ, छुट्टी लेने का आज लास्ट डे है, कल जाने का दिन गिनती में आएगा। हाँ, देखो हमारे आया भी है पुणे से लेने वाला। हाँ, तो अभी संगम हो गया लेना जाना और वो ले जाने वाले। हाँ, और आप लोगों से हाँ छुट्टी लेने वाले। हाँ, तो अभी संगम पर पहुंच गए हैं, जाने आने के संगम पर। हाँ, अभी फिर वहाँ पुणे वालों की यहाँ उधर आने की तैयारियां, इधर जाने की तैयारी। देखो यही तो आना और जाना, सृष्टि का नेम का चक्कर है। ये सब हद की है बातें, वो है बेहद का आना जाना। तो अभी हम आत्माओं को भी यार ये चक्कर पूरा कर करके अभी बेहद बाप के घर को अपने जाना है, उसी का ध्यान रखना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे उसको ख्याल रखते, अपना पुरुषार्थ रखो। अच्छा, किसको बैठना है, किसको बैठना है, बैठना चारों को छुट्टी तो नहीं है, इसीलिए टाइम पर छोड़ना अच्छा है। ऐसे बेहद बाप से अपना पूरा पूरा वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ रखो और अच्छी तरह से बाप का जो कुछ मिल रहा है उसी खजाने से पॉकेट भरते जाओ। ये पॉकेट नहीं, ये पॉकेट, तो इस पॉकेट को भरो। जितना भरेंगे ये पॉकेट चलेगा, ये पॉकेट नहीं चलेगा। ये पॉकेट तो छोड़ना होगा। इसीलिए तो बाप कहते हैं ये पॉकेट जो मन बुद्धि सहित आत्मा है, तो आत्मा मन बुद्धि को तो साथ में ही रहेगा ना, तो उसमें जो भरेंगे वो ले जाएगी। तो अगर पढ़ना है पॉकेट में तो बुद्धि रूपी पॉकेट में भरो संस्कार। तो संस्कार तो आत्मा ले जाती है ना, बुद्धि से क्या बनता है? संस्कार, जो जो हम करते हैं उसका संस्कार बनता है। तो आत्मा संस्कार सहित है, तो वो जाती है अपने संस्कार ले जाती है। तो अगर हमको पॉकेट भर के जाना है तो पॉकेट संस्कार से, शुद्ध संस्कार है? तो उसे हम जितना भरेंगे वो हमारा पॉकेट चलेगा। तो हम तन को मन को धन को हाँ भर के ले जा सकते हैं, पर तो धन ऐसे नहीं हाँ पैसा, कोई नए पैसे हाथ में चलेंगे नहीं, परंतु उसका हम जो करेंगे वो अपने कर्तव्य से वो भर के। देखो कोई शावकार के घर में जन्म लेता है तो हाथ में तो धन नहीं ले आता है नहीं, लेकिन ऐसे घर में जन्म उसको मिलता है, लेकिन वो ले कैसे आया? अगले जन्म में कुछ ऐसा अच्छा काम किया है कर्मों का, तो वो देखो धन ले आया ना, वो अपना हक ले आया ना। तो पहले से उसको धन किया, घर में जन्म मिलता है तो धन उसका पहले से ही तैयार ले आता है, तो ले आया ना। पर तो ऐसे नहीं सीधा नहीं ले आएगा हाथ में पैसे, लेकिन वो कर्मों से अपना बनाते हैं। तो हम भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ करते हैं,
तो अपने तन मन धन को प्यूरिफाइड लेवे, तो कहाँ नई दुनिया, सुख की दुनिया। तो ये सब क्योंकि इस पुरानी दुनिया में लेने में धन में मजा नहीं है। हाँ, अभी धनवानों का हाल पूछ रहे, इसीलिए हम कहते हैं इस दुनिया का हमको धन भी नहीं चाहिए, इस दुनिया का हमको मर्तबा भी नहीं चाहिए, इस दुनिया का हमको कुछ नहीं चाहिए, इस दुनिया से तो हमारी दिल भर गई है। आप कहते हैं हमको मिले तो नहीं दुनिया में जिसमें मजा हो, आनंद हो, खुशी हो और सब कुछ पाने में मौज हो, धन भी हो तो मौज का हो ना, शरीर भी हो तो मौज का, ऐसे शरीर हो तो फिर रोगी हो, धन हो तो फिट फिट हो, ऐसी कुछ बात नहीं हो, सब सुख है। इसीलिए अभी उसी का पुरुषार्थ रख रहे, तो ऐसे पुरुषार्थ में अपने को अच्छी तरह से रखते और अपना अपने को आगे बढ़ाते चले। अच्छा चलो चलो, सबकी याद प्यार भी देना और हमारी याद प्यार विदाई लेना, ठीक है। चलो 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 बाबा के पास। ये बेचारी को प्रेम आता है कि आज मामा के साथ हमारा अंतिम मुलाकात है, कोई बात थोड़ी, हम तो मिले हैं ना अभी, अभी तो मिले हैं, अभी विदाई थोड़ी होती है हमारी, हमारी विदाई थोड़ी, विदाई हुई थी पहले, हम एक दो से बिछड़ गए थे, अभी तो मिले हैं, देखो कहाँ से ये कहाँ का वो कहाँ का वो कहाँ का, हम जानते हैं आपको, देखो कोई है कलप पहले का संबंध, अभी तो देखो आकर करके मिले हो ना, ये बाप से हक लेने के लिए अब आए हो, तो ये मिलन तो अभी अभी थोड़ी खत्म होगा, ये मिलन अभी जन्म जन्मों का चलने का है, क्योंकि ये अब हम बाप से हक ले रहे हैं, वो हक हम प्रालबद्ध में फिर मिल के भोगेंगे। तो अभी उसी में हम स्टेटस ऊंची पाए उसका अभी ये पुरुषार्थ रख रहे, तो अभी तो हमारा मिलन हुआ है ना, अभी विदाई थोड़ी होती है, अभी तो विदाई पूरी हुई, विदाई हो गई थी, हम छूट गए थे एक दो से, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, अभी तो मिले हैं, तो अभी थोड़े हम कोई बिछड़ते थोड़े हैं, विदाई नहीं है हमारी, अभी मिलन ही मिलन, अभी मिलके रहेंगे, ऐसे जन्म में मिले हैं, अनेक जन्मों के संबंध में मिलते रहेंगे, इसीलिए अपना मिलना ही मिलना है, समझा। अच्छा चलो बाबा के पास, बाबा कहेंगे ये देखो क्या है। अच्छा शाबाश, चलो भागो। हाँ बाबा को याद करो, कोई देहधारी को थोड़ी याद करना है, बाबा को याद, ये भी बाबा के धन को याद रखती है बेचारी, समझती है नहीं, बाबा का खजाना, हमको बाबा मम्मा से खजाना मिलता है, तो खजाने का लोभ तो सबको रहता है ना, ये तो बड़ा खजाना है, इससे तो हम बड़े शाहूकार बनते हैं, जिस्मानी रूहानी दोनों ताकत मिलती है ना, लेकिन खजाना तो फिर देखो मुरलियों में आप लोगों को मैं, परंतु वो थोड़ा परूथा हो जाता है, वो डायरेक्ट एक और होता है सुनने का, और वो जैसे रोटी पकाई जाए ताजी ताजी खाई जाए, उसी समय निकले उसे और खाएं तो गरम गरम का स्वाद अच्छा होता है, और फिर रोटी को थोड़ा रख दियो तो पारूथी हो जाती, तो आपको मुरली में डाल के लिख करके भेजते हैं, वो जरा पारूथी होके आती है, तो पारूथी का स्वाद और ताजी का स्वाद का फर्क तो होता ही है, इतना फर्क तो जरूर पड़ता है, लेकिन फिर भी जो टेस्ट लेने वाले हैं ताजे खाने वाले, भागना चले आना ताजी रोटी खाने के लिए वहाँ, उसी समय निकले उसी समय खाओ गरम गरम। अब बता देता है हमारा कल है प्रोग्राम अनुसार, सब समाचार तो अपने आप ही सुनाना चाहिए, चलो चलो। अच्छा ऐसा बाप दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे सपूत सियाने समझदार बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग।